सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग को ये तो पता ही होगा कि YouTube हर साल एक फ़ैन फेस्ट और एक क्रिएटर कैंप ऑर्गेनाइज कराता है। हालांकि जैसा इस साल COVID-19 पैंडेमिक फैला हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखना है, उस वजह से जो क्रिएटर कैंप 2020 यानी कि YouTube का क्रिएटर कैंप 2020 होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होगा। और अगर आप भी उसे ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जिसकी मदद से जो नए यूट्यूबर्स हैं जैसे कि मैं, उनको कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, अपने चैनल में क्या अच्छा ऐड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें। तो अगर आपको भी ये ज्वाइन करना है क्रिएटर कैंप 2020 का जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो आपको ये वीडियो आगे तक देखना होगा जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोवर्स चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों जो YouTube का क्रिएटर कैंप होने वाला है 2020, उसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसे आपने क्लिक करके अपने ब्राउज़र में ओपन करिए। उसके बाद आपके सामने ये YouTube का रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा क्रिएटर कैंप 2020 के लिए। उसके बाद आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करना है जिससे आप YouTube चैनल चलाते हैं, और उसके बाद आपके सामने रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, उसे आपने क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके आ जाएगा जहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी रहेगी जिससे आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उसके बाद यूट्यूब के चैनल लिंक को आपको पता करना है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे खोलना होगा और उस अकाउंट से लॉगिन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको राइट साइड में जाना है और योर चैनल का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर क्लिक कर देना है। योर चैनल जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो ऊपर लिंक आई हुई है उसी को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। अगर आपके पास कस्टम यूआरएल इनेबल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं इनेबल है तो यही जो लिंक ऊपर आई हुई है उसी को आपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको यूट्यूब चैनल नेम डालना है, जैसा कि ये यहाँ से आप नाम उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको यूट्यूब के चैनल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको चैनल आईडी अपने YouTube चैनल का जानना है तो उसके लिए आपको फिर से YouTube का जो मेन साइट आपने खोली थी उसी पे क्लिक करना है और राइट साइड में जाना है, और उसके बाद YouTube स्टूडियो खोलना है। यानी कि अगर आप मोटा मोटी तौर पे कहें तो आपको YouTube स्टूडियो में ही जाना है। YouTube स्टूडियो में खोलते ही आपको जो लेफ़्ट साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ लेफ़्ट साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस सेटिंग्स के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको चैनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन जो है चैनल का है, उसे आपने क्लिक करना है। चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करते ही उसके बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन है एडवांस सेटिंग का, उसे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट का जो ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, लेफ़्ट साइड में एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है और आपके सामने ये चैनल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आपको इस जो चैनल आईडी है इसके ठीक बगल में कॉपी का ऑप्शन भी मिलेगा, तो इसी को आपको ये जो फॉर्म में यहाँ पे यूट्यूब चैनल आईडी मांगा हुआ है वहीं पर उठा के आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो जैसा कि उसमें चैनल आईडी के बगल में ही कॉपी का ऑप्शन था, तो सीधे कॉपी पर क्लिक करेंगे और फिर उस फॉर्म में सीधे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब सब्सक्राइबर काउंट की बारी आती है। तो दोस्तों सब्सक्राइबर काउंट में आपका जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उतने आप कर सकते हैं, मिनिमम 1K से स्टार्टिंग है। उसके बाद आपको अपना चैनल जॉनर सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो चैनल पे जो वीडियो डालते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं। तो जैसा मेरा ये दूसरा चैनल का अलग से है तो मैंने इसे एंटरटेनमेंट क्लिक कर दिया। उसके बाद स्टेट यानी आप किस स्टेट से आते हैं, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश क्लिक करूँगा। और उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन रहेगा कि आप क्या इस क्रिएटर कैंप में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर नहीं पूछना चाहते तो आप ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको ये बताना होगा कि इस यूट्यूब क्रिएटर कैंप 2020 के बारे में आपको कहाँ से पता चला। मुझे इंस्टाग्राम से पता चला, तो मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा, फिर इस पॉलिसी जो एग्री करना है, और उसके बाद ईमेल अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आपको येस पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। और आपके सामने ये आ गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, और आपको कुछ समय बाद एक और ईमेल आ जाएगी कन्फर्मेशन से रिलेटेड,
और उसके बाद आपको सारी चीज़ें कब कैसे ज्वाइन करनी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसा कि ये YouTube का जो क्रिएटर कैंप है वो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसका सारा शेड्यूल उसके नीचे आपको दिया हुआ है। 1 बजे से स्टार्टिंग होगी और ये शाम के अराउंड 6-6:30 के आसपास चलेगा। इसमें वेरियस सेशंस होंगे, जो लास्ट वाला सेशन होगा उसमें YouTube के शाइनिंग स्टार्स आएंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टार जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट, मॉर्टल, टेक बर्नर और बहुत सारे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।